नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विचार्स। आज की वीडियो में हम TB18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, आज यूजुअल अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए वो जो स्टॉक है कौन सा सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। अगर हम TB18 का सेक्टर देखेंगे, सेक्टर यहाँ पे है एंटरटेनमेंट का एंड जो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेक्टर का, तो आप यहाँ पे मानकर चलिए निफ्टी मीडिया सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग कर रहा है। अगर आप इस स्टॉक का मार्केट कैप देखेंगे 7000 करोड़ के आसपास है, रिजर्व कैश कितना है 4336 करोड़ का, स्टॉक का डिविडेंड यील्ड क्या है 0, कंपनी ने कुछ भी डिविडेंड यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा है। स्टॉक का पी क्या चल रहा है 63.9 का, इंडस्ट्री पी क्या है 52.7, इंडस्ट्री पी से ऊपर चल रहा है स्टॉक का पी। बुक वैल्यू है 27.3 का, करंट प्राइस है 41, प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.56। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 60.4%, जो कि बहुत ही अच्छा है। 50-60% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, तो प्रमोटर का कंपनी के ऊपर फेथ है, वही साइन है। ओके, अगर आप लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे स्टॉक में तो -1.5%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 2.13%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 9.76 का पॉजिटिव रिटर्न। इसका मीनिंग है कि लास्ट 5 ईयर से स्टॉक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, उसका बड़ा इन्वेस्टर है जो कि 5 से 7 ईयर से स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं, उनको अभी तक कुछ रिवार्ड नहीं मिला है। अगर आने वाले टाइम में कंपनी में कुछ ग्रोथ देखने को मिलता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको रिवार्ड स्टॉक का प्राइस दे सकता है, जो कि जाकर हम चार्ट में देखेंगे कि किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है एंड किस टाइप का मूवमेंट आ सकता है। अभी हम चलते हैं उसका क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो देखिए, सेल्स यहाँ पे मार्च 2021 में था 1348 करोड़ का, अभी सेल्स है जून 2023 में 3176 करोड़ का। देखिए, सेल्स में तो यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए, मार्च 2021 में यहाँ पे नेट प्रॉफिट था 251 करोड़ का एंड अभी नेट प्रॉफिट है 91 करोड़ का। डाउन ट्रेंड में चल रहा है नेट प्रॉफिट, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस अभी तक आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे कि टेक्निकल सेटअप में मीडिया सेक्टर का आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस में मूवमेंट आ सकता है अगर कुछ शॉर्ट टर्म लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो, जो कि जाकर हम चार्ट में देखेंगे। अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। देखिए, नेट कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर देखिए यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 60.4%, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। FI यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 8.5%, जो कि ठीक ठाक है, और थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, फिर भी बैलेंस है। DI यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 2.74% शेयर होल्डिंग एंड पॉजिटिव पॉइंट है कि DI यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। पब्लिक के पास यहाँ पे 28.36% शेयर होल्डिंग। अगर पब्लिक के बीच में हम कोई भी बिग इन्वेस्टर को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रीवियसली रेखा झुंझुनवा के पास यहाँ पे शेयर होल्डिंग था, जो कि था मार्च 2022 तक, लेकिन अभी वो शेयर होल्डिंग 0 कर दिए हैं। इसका मीन क्या है कि यहाँ पे जो 28.36% शेयर होल्डिंग पब्लिक होल्ड कर रहे हैं, वो टोटल है हमारे जैसा रिटेल, जिनके पास बिलो 1% शेयर होल्डिंग है। अगर किसी के पास एबव 1% शेयर होल्डिंग रहेगा तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में उसका नेम यहाँ पे शो कर जाएगा। तो 28% यहाँ पे हमारे जैसा रिटेल होल्ड कर रहे हैं, जिनका होल्डिंग बिलो 1% है। अभी जाकर हम चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में किस टाइप का टेक्निकल सेटअप बन रहा है। देखिए, कंपनी तो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट में हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से अभी हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर बिलीव करेंगे। जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक को बाय ऑन डीप करते हैं, ऐसे ही एग्जैक्टली अगर कोई स्टॉक में प्रॉफिट डाउन ट्रेंड में चल रहा है लेकिन प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसी केस में चार्ट के थ्रू हम एंट्री कर सकते हैं एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगर आने वाले टाइम में इस स्टॉक में, नहीं तो किसी भी स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट चल रहा होगा, आने वाले कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट आने वाला होगा, तो पहले ही प्राइस अप मूव करना स्टार्ट कर देगा, जो कि जाकर अभी हम चार्ट में चेक करते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है निफ्टी मीडिया वर्सेस निफ्टी का रेशियो चार्ट।
हम पहले देख लेते हैं सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा निफ्टी मीडिया। अगर निफ्टी मीडिया सेक्टर परफॉर्म करेगा तो उसका जो रिलेटेड स्टॉक है वो भी आउट परफॉर्म करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2012 के आसपास, देखिए प्राइस ने यहाँ पर रेशियो चार्ट में डबल बॉटम बनाया था। डबल बॉटम बनाने के बाद देखिए इस टाइप का एक कॉन्टिन्यूशन अब मूव दिया था। देखिए आपको लग रहा होगा यहाँ पर एक छोटा सा मूव है क्योंकि ये रेशियो चार्ट है, लेकिन इस टाइम पीरियड में ना यहाँ पर जो टाइम पीरियड था 2012 से 2017 इसी जोन में मीडिया सेक्टर का स्टॉक लगभग 300 से 500% रिटर्न दिए थे। इसकी वजह से हाई प्रोबेबिलिटी अभी आने वाले में मीडिया सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। एग्जैक्टली आप यहां पे देखिएगा, देखिए ये था बॉटम वन बॉटम टू एंड इस टाइप का सीनियर यहां पे बन रहा है एंड हाई प्रोबेबिलिटी आने वाले टाइम में इस टाइप का आउट परफॉर्मेंस हमको निफ्टी मीडिया में देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैं निफ्टी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो निफ्टी को निफ्टी मीडिया नेक्स्ट कुछ ईयर तक आउट परफॉर्म करने का प्रोबेबिलिटी है अगर प्राइस इस सेटअप को यहाँ पे रिपीट कर लेता है तो। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ TB18 का चार्ट स्ट्रक्चर। तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने अभी TB18 का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। देखिए प्राइस यहाँ पे जो उसका लॉन्ग टर्म का मतलब मल्टी ईयर का जो ट्रेंड है ना अभी भी डाउन है। क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ पे पहले बार यहाँ पे टच किया था, सेकंड टाइम यहाँ पे टच किया था, मतलब ये जो ब्लू लाइन जा रहा है ये हो गया मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस जो कि लेवल बन रहा है नियरली 70 के आसपास। अभी के लिए तो 70 का लेवल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एंड मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस, लेकिन उससे पहले देखिए प्राइस यहाँ पे एक जोन बनाने की कोशिश कर रहा है एंड रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ये देखिए हो गया प्राइस के लिए कंसोलिडेशन जोन। अगर आने वाले टाइम में प्राइस यहाँ पे इसी जोन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है वीकली, जैसे कि लेवल बन रहा है 44 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाता है तो आराम से प्राइस यहाँ पे 70 तक जाकर टच कर सकता है। देखिए अभी के लिए कुछ नहीं करना है, अगर है आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाय तभी करना है जब यहाँ पे 44 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 70, नेक्स्ट 120 तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।